हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हूं सुराज। आप लोगों को फिनोटॉक, फिनोटॉक इज द फाइनेंस का ये है। आपको मैं फाइनेंस के रिलेटेड कुछ बताऊंगा। सो आपका ये मेरा सबसे पहला फिनोटॉक करके एक वीडियो बना रहा हूं यहां पे। मतलब आपको प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत सारे तो मैं बता रहा हूं, बट अभी आपको उसके साथ आपको फाइनेंस के रिलेटेड भी बातें बताऊंगा और वीडियो आएंगे। फिनोटॉक करके नाम आएगा, जो फिनोटॉक का ये सबसे पहले नंबर वन है जो फाइनेंस के रिलेटेड रहेगा। सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस के रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज या कुछ चाहिए आपको, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो मैं बेल आइकन है वो भी प्रेस कर करके आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हो जाता है। ये फिनोटॉक्स का सबसे पहला एपिसोड है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज तो रहेंगे, बट ऐसा फाइनेंस के भी रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज की जरूरी है। यहाँ पे कुछ सब फाइनेंस के रिलेटेड जो आएंगे तो फिनोटॉक करके ये आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वीडियो में बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए। और मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस ऐसा है कि फाइनेंस इट इज द स्टडी है, मतलब एक पढ़ाई टाइप है, स्टडी कर सकते हो उसके ऊपर। और एक डिसिप्लिन है आपको, मनी, करेंसी और असेट्स, ये तीन चीज आपका डिसिप्लिन रहता है फाइनेंस में। इसमें आपको स्टडी भी करना है, आपको डिसिप्लिन भी रखना है इसमें। फाइनेंस ये एक सिंपल वर्ड जो है, हिंदी में बोलते हैं वित्त। वित्त मतलब जो फाइनेंस करते हैं, वित्त में हिंदी जो शब्द आता है वित्त करके, ये फाइनेंस का हिंदी शब्द में आता है यहाँ पे। सो यही मैं आपको बता रहा था। इसमें फाइनेंस में तीन टाइप के फाइनेंस है। इसमें एक तो फर्स्ट फाइनेंस जो आता है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा जो आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और तीसरा जो आता है पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में आप लोगों को बता दो, सबसे पहले आपको पर्सनल फाइनेंस बता दो। पर्सनल फाइनेंस इज आपका खुद का फाइनेंस जो आपके पास जो है, मतलब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्रपोज करते हैं, एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, पॉलिसी निकाल के रखते हैं, असेट्स बनाते हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा फाइनेंस करते हैं, कुछ इंश्योरेंस आपका लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट के लिए काम आ सके है, कुछ ऑटोस लोन्स है, लोन्स कर सकते हैं उसमें फाइनेंस के, इसमें जो आपका जो पर्सनल फाइनेंस है, ऑटोस लोन है, कार्स, जो मतलब जितना भी चीज आपका जो पर्सनली चीज रहता है, सेविंग करना, यहाँ पे फिक्स डिपोजिट करना, तो ये सब चीज पर्सनल फाइनेंस में आता है। मतलब जो आपका जो चीज आपका पर्सनली जो चीज रहता है, तो ये पर्सनल फाइनेंस में आप लोग कर सकते हैं इसमें। सेकंड जो है आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इट इज द कॉर्पोरेट, जैसे कि कुछ कंपनी अपन फॉर्म करते हैं, तो वो कंपनी में फॉर्म करने के बाद उसका जो बैलेंसिंग रहती है फाइनेंस का, तो वो बैलेंसिंग करना, उसका रिस्क, उसका प्रॉफिट, पैसे का लेन देन, आना जाना, कितना एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट है, तो वो सब चीज कंपनीज के जो कॉर्पोरेट रहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाते हैं। सो अभी कहीं पे भी कंपनी आप फॉर्म करते हैं, कुछ एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो वो बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसा लगता है, तो वो जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट करने के बाद उसका जो लेन देन, आना जाना, इन्वेंट्री चेक करना, इन्वेंट्री जाना आना, कौन सा भी कंपनी फॉर्म किया तो उसके पूरी जो फाइनेंसेस लेन देन जाना आता जाता रहता है जो कंपनीज के, तो वो चीज सब कॉर्पोरेट फाइनेंस में आते हैं। तो यही चीज यहाँ पे ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में है। तीसरा जो है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहता है, जो गवर्नमेंट के अंडर जो फाइनेंस करती है, मतलब जो टैक्सेस लेते हैं गवर्नमेंट, जो यहाँ से उसके लिए नए नए योजना होती है, मतलब रोड्स के काम, अदर कुछ भी प्रोजेक्ट के काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कंस्ट्रक्शन रहता है, तो वो सब चीज गवर्नमेंट के अंडर रहता है, तो वो सब चीज पब्लिक फाइनेंस रहती है। यहाँ पे जो पैसे का लेन देन रहता है, पैसा आता है जाता है जो गवर्नमेंट रखते हैं, तो वो सब चीज पब्लिक फाइनेंस रहती है। तो गवर्नमेंट के अंडर रहता है ये पूरा पब्लिक फाइनेंस के, मतलब एक सिंपल वर्ड हो गया कि गवर्नमेंट के अंडर है वो देखना है, बस वो पब्लिक फाइनेंस में आता है। तो ये तीन चीज जो है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज रहते हैं यहाँ पे, जो फाइनेंस के रिलेटेड है। सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ फाइनेंस क्या है, और आगे वीडियो आते रहेंगे। सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप
ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने बेल आइकन वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।